कविता वर्मा, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो हाय करो ज्ञान, हाय करो। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि बहुत बच्चा ऐसा होता है कि जो रात में सोने के वक्त पैर को मोड़ लेता है, तो उसी के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान सीधा हो जाओ। तो सबसे पहले ज्ञान को हम लेटा लेते हैं। रात में सोने के समय पैर को बार बार इस तरह से मोड़ लेता है या फिर बार बार पैर को हिलाते रहता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मेरे बाबू में भी ये समस्या थी। मेरा बाबू भी मोड़ लेता था रात में सोने के वक्त पूरा पैर को इस तरीके से, कभी ऐसे या कभी ऐसे, मतलब कि पैर को मोड़ के ही सोता था। तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए कि पैर सीधा रखे। तो इसके लिए तो बच्चा खुद से तो पैर सीधा नहीं रखेगा, हमें बच्चे को रिविजन करवाना पड़ता है। मेरा बाबू भी बार बार पैर पहले मोड़ लेता था, तो मैंने उसे, और बच्चे को देख सकते हैं, मैंने ये निकैप और ये सूज और निकैप बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। ये निकैप और सूज बच्चे के पैर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा, ये तो कम से कम दिन भर जरूर पहनाना है सूज को। अगर आप सूज पहनाते हैं तो इससे क्या होता है, पैर का वजन थोड़ा सा भारी रहता है, इसलिए बच्चा पैर को बार बार खींचने की कम कोशिश करता है, इस तरीके से बच्चा नहीं खींचता। इसलिए सूज, अगर आपके बच्चे के पास सूज नहीं है तो ये फोर तो ये सूज जरूर बनवा लें जो बच्चे के लिए सपोर्ट करे। और एक नाइट जूता आता है जो कि ये जो है ये सॉल पीछे वाला ये नहीं रहता है, सिर्फ ये वाइट वाला आप देख रहे हैं, बस इतना रहता है, जिसको रात में पहनाकर सुलाया जाता है। ये नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहता है, बस इस तरीके से बना हुआ रहता है। मेरे बाबू के पास था लेकिन छोटा बच्चा वाला छोटा हो गया था। तो इस तरीके से बच्चे को आप पहले क्या करें, बच्चा जब भी पैर बार बार मोड़ता है तो पहले तो आप सूज पहना लें। और किसी भी चीज़ में बच्चा रोएगा जरूर, ऐसा नहीं कि बहुत सब्सक्राइबर हमारे बोलते हैं कि मैम हमारा बच्चा एक्सरसाइज करने में रोता है, कुछ भी करने में रोता है। तो देखिए बच्चा है तो रोएगा ही, और ये सब चीज़ अगर हम बच्चे को करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को कष्ट तो होता होगा, क्योंकि हम बड़े हैं तो बोलकर बयां करते हैं कि दर्द हो रहा है, लेकिन बच्चा है तो खुद सोचिए कष्ट तो होता है। लेकिन किसी भी चीज़ को आप रिविजन करवाते रहने से धीरे धीरे आदत हो जाती है और दर्द में भी कम होता है। तो पहले मेरा बाबू भी जब सूज पहनता था तो बहुत ज़्यादा रोता था, अब देखिए नहीं रोता है। दिन भर में पहना लेती हूँ बाबू को और रात को खोल देती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों का बच्चा रात में भी पहन सकता है तो रात को भी पहना कर सुलाइए बहुत। अगर आप लोगों का बच्चा रात में पहन कर सो लेता है तो ये सूज आप नाइट सूज एक बनवा लीजिए जो कम भारी रहता है। ये सॉल नहीं रहेगा पीछे का, सिर्फ इतना रहेगा। तो इस तरीके से आप बनवा लें और रात में बच्चे को जरूर पहनाए, तो उससे बच्चे का पैर सीधा होता है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप बच्चे को सूज पहना लें, बिना सूज का नहीं हो पाएगा। सूज पहना कर आप चाहें तो एक फर्स्ट तरीका है, कोई पिल्लो ले लें, इस तरीके का कोई हल्का वजन वाला पिल्लो, इस तरीके से आप बच्चे के पैर पर डाल दें, एक पिल्लो या दो पिल्लो वजन के अनुसार। ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़्यादा वजन वाला पिल्लो हम डाल दें बच्चे के पैर पर। तो इस तरीके से भी आप बच्चे के पैर को, और बच्चे के पैर को सटाना नहीं है, थोड़ा गैपिंग में इस तरीके से, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा रख देना है, थोड़ा गैप करके इस तरीके से। अगर ज़्यादा वजन वाला पिल्लो है तो एक ही रख के, अगर कम है एक ही रख के, अगर हल्का है तो आप दो रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रखते हैं और बच्चे के सामने आप टीवी या बच्चे से बातें करें, इस तरीके कम से कम आप दिन भर में 4 बार 5 बार जितना करवा सकते हैं तो इस तरीके से करवाएं, तो बच्चा पैर सीधा रखने की कोशिश करेगा। रात में भी अगर सोता है तो इससे छोटा पिल्लो, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही, इस तरीके से आप पैर पर रख दे बच्चे का, यहाँ पे घुटने के पास, तब जो यहाँ से पैर मुड़ता है तो यहाँ पे हमें वजन देना है ताकि बच्चा घुटने को ना मोड़े। तो एक फर्स्ट तरीका है, आप बच्चे को आसान तरीके से बच्चे के पैर को मुड़ने से रोक सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप सुला रहे हैं बच्चे को रात में भी, तो आप इस तरीके से रख कर आप बगल में सोकर हाथ भी धर सकते हैं, अगर बच्चे उठाने की कोशिश करता है तो बीच बीच में इस तरीके से आप रिवीजन करवाएं, तो देखिएगा बच्चा जरूर जरूर पैर मोड़ना छोड़ेगा धीरे धीरे। तो
दूसरा तरीका है ये गेटर, इसे हम लोग गेटर बोलते हैं, जो पैर को सीधा करने के लिए बनाया गया है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें बच्चा रोता है, तो मेरा ज्ञान अभी भी रोता है इसको पहनाने से, लेकिन फिर भी पहनाते हैं, क्योंकि इसे पहनाने से मेरा बाबू का पैर बहुत सीधा हुआ है, और खड़ा भी जब भी करते हैं तो इसी को पहना कर खड़ा किया जाता है। ये इस तरह का बना हुआ है, और ये बीच बीच में एक रड डाला हुआ रहता है, यहाँ बीच बीच में रड रहता है ताकि बच्चे का पैर बिल्कुल भी ना मुड़े। इसे पहनाने के लिए देखिए इस तरीके से हम पहनाते हैं। इस तरीके से देखिए, देख सकते हैं इसको पहनाने से पैर बिल्कुल सीधा हो जाता है, बिल्कुल सीधा देख सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं से नहीं मुड़ता है। अगर ये पहनाकर आप बच्चे को रिवीजन करवाते हैं, दिन भर में 2-3 बार इसे पहनाएं, 1 घंटा अलग जितना मतलब कि बच्चा बर्दाश्त कर सके, ऐसा नहीं कि पूरा जोर जोर से रो रहा है और हम पहनाए हुए नहीं, किसी भी तरह से बच्चा को इंटरटेनमेंट करके बच्चे का ध्यान बटा के हम इसे तो देख सकते हैं इस तरीके से हम बाबू को। ज्ञान तुमको डर लगता है क्या? नहीं। तुम रोता है अब? नहीं। ना थोड़ा सा पहले रोता था, पहले रोता था ना? देखिए बोल रहा है ना। और अपना नाम बता तो सब बोलता है क्या? ज्ञान नहीं बोलता है। नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा से बोलो। व्हाट इज योर नेम? ज्ञान रंजन। ज्ञान बोल रहा है मेरा नाम ज्ञान रंजन है, और ज्ञान यहाँ पे अभी एक्सरसाइज कर रहा है, देख सकते हैं ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रोता है। और पहले इसे पहनाते थे तो इसे पहनाने के बाद भी ज्ञान पूरा पैर को ऐसे से हिलाता था, तो उसके लिए भी हम इस पे एक पिल्लो, यहाँ पे एक पिल्लो इस तरीके से रख देते थे ताकि पैर हिले नहीं, और इस तरीके से हम ज्ञान की प्रैक्टिस करवाते थे, इस तरीके से लेटाकर हम ज्ञान की प्रैक्टिस करवाते थे। तो इसी तरीके से आप भी करवा सकते हैं, अगर आपका भी बच्चा रात में पैर को मोड़ लेता है, तो अगर आपके पास गेटर नहीं है तो आप इस तरीके से पिल्लो रख कर भी बच्चे को आराम से करवा सकते हैं, और अगर गेटर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और बच्चे को हंसा के टीवी के सामने खिला के किसी भी तरह से आप ये सब एक्सरसाइज करवा सकते हैं। और ज्ञान कम से कम दिन भर में 10-15 मिनट हम रखते हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका है जो आप बच्चे को सीधा से सुला सकते हैं। और बच्चे को सुलाने के लिए बिल्कुल सीधा रखिए, ये तो पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा कि ये बच्चा रात में अभी भी ज्ञान पैर को मोड़ लेता है, लेकिन मैं बार बार रात में उठकर इसके पैर को सीधा करती हूँ, और उसके बाद कोई पिल्लो रख देती हूँ तो ये फिर थोड़ी देर के लिए सीधा रखता है। उसी तरीके से हम गार्जियन को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बच्चा का पैर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही छोड़ दें, उसे सीधा करवाते रहें, बराबर आप उसे सीधा कीजिए तो बच्चे का पैर सीधा जरूर हो जाएगा। मेरे ज्ञान का पैर पहले से बहुत सीधा है। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार। बाय कर दो, बाय करो ज्ञान, ऐसे करो, बाय।